हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास योगा यू। अक्सर सीज़न बदलते ही हम कभी भी हम अगर ठंडा या कुछ भी खा लेते हैं तो हमारे गले में जलन या सर्दी या खांसी जैसी तकलीफ हमें हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम हमारे घर के किचन से ही इंग्रेडिएंट उठाकर इसका एक आयुर्वेदिक चूर्ण बना सकते हो, जिससे हमें इन सारी चीज़ों में बहुत ही राहत होती है। तो आयुर्वेदिक चूर्ण बनाने के लिए हमें जो किचन से सामान चाहिए उसमें से 10 से 12 ब्लैक पेपर, काली मिर्च, एक दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा चाहिए हमें, 6 छोटी वाली इलायची, 5 से 6 लौंग के दाने, और यहाँ पे मैंने ड्राई जिंजर का पाउडर लिया है। आप चाहे तो पूरा वाला जो ड्राई जिंजर का टुकड़ा आता है वो भी ले सकते हो। अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही अच्छा सा पाउडर बनाना है और इसे हमें अच्छे से छन्नी से छान लेना है। इससे हमें जो पाउडर मिलेगा वो बहुत ही बारीक पाउडर मिलेगा, और इस पाउडर का इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर का जो मोटा वाला कचरा निकलेगा वो वेस्ट नहीं होगा, उसको आप अपनी चाय में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें हमारा आयुर्वेदिक चूर्ण मिल गया है, देखिए बहुत ही अच्छा। हमें इतना ही बारीक पीसना है इसको। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 1 चम्मच जितना हम पाउडर लेंगे उसमें 1 चम्मच जितना ही शहद मिलाएंगे हम, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा जो पेस्ट बन जाएगा उसको, अगर हम बड़े हैं तो हमें 3 टाइम 1-1 चम्मच जितना पाउडर लेके उसका पेस्ट बनाना है, और अगर आप इसको बच्चों को दे रहे हो तो आपको 1/2 चम्मच जितना ही ये पाउडर लेना है और इसको शहद में मिलाकर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज यू आर व्हाट यू थिंक।